So, नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और आज आपको एक बहुत ही शानदार सेशन मैं लेकर के आया हूँ। सेशन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, ताकि आप इस बिजनेस में अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आज आपको बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जो इस बिजनेस में आपको बहुत तेजी से ग्रो करा सकती है। वो क्या चीज़ है दोस्तों? उसका नाम है लिस्ट। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा और आप सभी जानते हैं इस बात को कि अपने काम को करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप लेने पड़ते हैं। आज वो बेसिक स्टेप का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है लिस्ट। क्यों जरूरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट है वो भी बहुत जरूरी है। देखो साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि अगर मान लिया हमें कोई बड़ा घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, तो उससे पहले क्या करता है आदमी? उसे अपनी कल्पना में तैयार करता है, फिर उस पर नक्शा बनाता है, फिर उसको धरातल पर भी लेकर आता है। ऐसे होता है ना? तो यानी कि आपको सोच के लिए भी एक नंबर ऑफ लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहले आपने कल्पना की, एक सोच अलग हुई, आपने दूसरी सोच बनाई कि नक्शा बनाऊंगा उसका मैं, तो ये आपका दूसरा नंबर का सोच हुआ। अब आपका तीसरे नंबर का सोच क्या हुआ कि मुझे धरातल पर भी बनाना है। तो नंबर ऑफ लिस्ट एक बनी आपकी सोच की, यानी कि अगर आप उसका निर्माण करने वाले हैं तो उसमें भी फिर आपको एक लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? अगर घर बनाना है तो उसमें कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। मटेरियल्स क्या लगता है आपको? सभी को पता है, आपका रेत लगेगा, बजरी लगेगी, सीमेंट लगेगा, उसमें बहुत सारा लोहा लगेगा, काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर भी एक नंबर ऑफ लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो नंबर ऑफ लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बहुत सारा काम कन्फ्यूजन में करेंगे, पहले ये कर लिया फिर वो कर लिया। तो इस तरीके से आपको हर एक बड़े काम करने के लिए एक नंबर ऑफ लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनली तरीके से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ लिस्ट, की आपके पास लिस्ट कितनी बड़ी है। क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल का बिजनेस है, नंबर ऑफ पीपल्स का बिजनेस है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस बात को। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास ज्यादा लोग नहीं होंगे आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक नंबर ऑफ लिस्ट बड़ी तैयार करनी चाहिए। कम से कम बता रहा हूं आपको, शुरुआत में जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके पास 300 प्लस नाम होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 350 या 400 नाम लिखें आप। एक अच्छा सा रजिस्टर लीजिए, अच्छा सा पेन लीजिए, बैठ करके चिंतन करें कि मुझे किन लोगों पर काम करना है। लिखिए आप, मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप कैसे लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लिस्ट तैयार करने का बहुत सिंपल सा मेथड है दोस्तों। दोस्त बोल रहा हूं आपको, सबसे पहले दोस्तों का ही नाम लिखिए, फिर दोबारा आप अपने पड़ोसियों का नाम लिखिए, फिर उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों का नाम लिखिए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपकी जानकारी में जो ना तो आपके दोस्त हैं, ना आपके पड़ोसी हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन आप उन्हें जानते हो, उनका भी नाम लिखिए। अदर्स पीपल में लिखिए आप उनका नाम। कुछ ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनके द्वारा आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, उनके नाम भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि इसमें आप जो काम कर रहे हो ना, ये रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति की है, जिसको कहते हैं पैसा कमाना। आज आप मुझे बताओ कि कौन आदमी पैसा नहीं कमाना चाहता, सब जानते हैं इस बारे में। तो आप जब एक बड़ी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसमें कैटेगरीज वाइज लिखिए, कैटेगरी भी डाल सकते हैं कि भाई ये मेरे दोस्तों की लिस्ट है, ये मेरे अपने पड़ोसियों की लिस्ट है, ये मेरे रिश्तेदारों की लिस्ट है, ये उनकी लिस्ट है जिनके साथ ज्यादा रिलेशन तो नहीं है लेकिन मैं इन्हें जानता हूं। बात हो गया शुरू। यहां पर बड़े आराम से एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो सकती है साथियों, 350-400। अब आप सोचेंगे सर इतने तो मेरे जानने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके घर पर कोई फंक्शन होता है, मान लिया आपकी बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, या खुद की शादी है आपकी, तो आप वहां पर देखिए कि आपके कितने रिलेटिव, कितने जानने वाले आपके पास आ रहे हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? सबके घरों पे आते हैं। 500, 700, 800 लोग आ जाते हैं आपके घर पर उस समय। क्या वो नंबर ऑफ लिस्ट नहीं है? जब हम शादी करते हैं, अपने घर पर कोई फंक्शन करते हैं ना, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें किस किस को इनवाइट करना है। इनवाइट करते हैं कि नहीं करते हैं? और साथ ही साथ इस बिजनेस में एक और तजुर्बा आपको मिलता है, वो इन्विटेशन करने का तरीका भी मिल जाता है। तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर, तो इन्विटेशन भी किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बस इतना जानकारी ले देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, लेकिन बस आप सही तरीके से, टेक्निक तरीके से अपने लिस्ट पर काम करेंगे तब होगा। आगे का पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि बेनिफिट क्या है इसका। देखिए, आपने लिस्ट तो बना लिया। अब मान लिया आपकी लिस्ट में एक सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसे आपने ये बिजनेस बताना है। डेली आप ऐसे ही करते हैं, भाई कल सुरेश को मैंने बिजनेस दिखाना है, कल दिनेश को दिखाना है, कमल को दिखाना है, कुलदीप को दिखाना है, या किसी भी व्यक्ति को, एक्स वाई जेड को आपको दिखाना है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आप उसका हाव भाव पहले ही पहचान लेंगे।
कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप उसका स्थान पहचान जाएंगे, वो किस जगह का रहने वाला है, आप ये पहचान जाएंगे कि वो काम क्या करता है, आप ये पहचान जाएंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है। जब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आपको अगले दिन उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आराम से उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि भाई तेरे जीवन की जो आवश्यकता है यहां से पूरी कर सकता है, बता सकते हैं ना। वैसे तो हमारी बहुत सारी वीडियोस और भी अलग हैं जिनमें आपको बताया गया है कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे समझना है, कितना आसान है ये बिजनेस करना, ये चीजें आप उसको दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसको जब बेनिफिट नजर आएगा ना तो वो आपके साथ इस बिजनेस में काम करना शुरू कर देगा। फायदा मिला कि नहीं मिला लिस्ट बना करके, यानी कि आपको पहले ही उस व्यक्ति के बारे में पता चल चुका है कि मुझे उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, क्या उसकी आवश्यकता है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग जो जॉब करते हैं उनको भी दिखाते हैं, तो आपको टाइमिंग पता है ना कि उसका टाइमिंग क्या है। अब मान लिया ऑफिस में बैठा हुआ है, आप बात नहीं कर पाएंगे उससे, तो आपको यह भी पता है उस व्यक्ति के बारे में कि मैं उससे कितने बजे बात कर सकता हूं या कितने बजे उससे मैं प्रैक्टिकली मिल सकता हूं। बात समझ में आए? तो लिस्ट बनाने के आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। कुछ पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि मैंने लिख भी रखे हैं, नोट भी कर रखे हैं अपने साथ में, मेरे लैपटॉप में भी लिखे हुए हैं। दोस्तों, डेली इसमें क्या करना है आपको, देखो जैसे हर काम के लिए आवश्यकता होती है कुछ नए लोगों की, तो दोस्त इसमें भी नए लोगों की आपको आवश्यकता होगी। आप भोजन करते हैं डेली, क्यों करते हैं? क्योंकि आपके शरीर को ताकत चाहिए। आपके बिजनेस को ताकत देने के लिए आपको डेली कुछ लोग इसमें एड ऑन करने पड़ेंगे अपनी लिस्ट में। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी लोग आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें लिस्ट और बड़ी कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, उसमें हो सकता है आपके मामा का कोई लड़का है, वो बिजनेस नहीं करना चाहता है, आपने बात भी करके देख लिया वो लिस्ट बात नहीं करना चाहता, तो आपने क्या करना है वहां पर दोस्तों, आपने उसको बोलना, भाई देख मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता है, मुझे पता है कि आपके पास तो समय है नहीं, अब आप एक काम करो, मुझे 5-10 लोगों के नाम दे दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और उनके जीवन में कुछ सफलता के किरणें बिखेरना चाहता हूँ। ये बस इतनी बात बोल दीजिए और 5-7 नाम आप बड़े आराम से अपने भाई से ले सकते हैं, अपने मामा के लड़के से, मौसी के लड़के से, बुआ के लड़के से आप ले सकते हैं, तो एक नंबर ऑफ लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तो आपके पास वो चीज़ हमेशा रहेगी जो आपको चाहिए चाहिए डेली आपके बिजनेस को। हम लोग क्या करते हैं, हम डेली कॉल ही तो करते हैं लोगों को, बात करते हैं। आज जमाना बदल चुका है साथियों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप जूम मीटिंग का लिंक देकर के उसको अपना बिजनेस बता सकते हैं, बड़े आराम से आप बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, 47% महिलाएं हैं इस देश के अंदर, अपनी मौसी की लड़की को पकड़ सकती हैं, बुआ की लड़की के नाम लिख सकते हैं, मौसी का नाम लिख सकते हैं, बुआ का नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी सहेलियां होंगी उनके नाम लिख सकते हैं, और अपने जो मौसा मौसी जितने भी भाभीज वगैरह हैं उनके नाम लिख सकते हो भाई, उनसे बात कर सकते हो आप। लेकिन ये होगा कैसे, जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, कन्फ्यूज रहोगे आप। अब आप फिर अपने क्लाइंट को पूछते हो, सर मेरे पास तो नंबर ऑफ लिस्ट नहीं है, मैं किससे बात करूं? सर डेली बात करना होगा इस बिजनेस के लिए, और इसमें बिजनेस में आपको जब डेली बात करेंगे तो धीरे धीरे ये बिजनेस बड़ा होता है। हमेशा सर एक चीज कहते हैं कि इस बिजनेस में आपको 2-3 साल लगते हैं, तो भाई मेरे मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2-3 साल लगते हैं। जो आम का पेड़ होता है ना, उसको पालने में 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन वो फिर आम का पेड़ सारी उम्र हमें फल देता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कम से कम आपके पास 300-400 नंबर की लिस्ट हमेशा होनी चाहिए। अगर आप 300-400 नंबर की लिस्ट अपने बिजनेस में रखेंगे तो दोस्त आपका बिजनेस जिंदा रहेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर कम से कम जो हमारा एचबी का लेवल है 12-13% होना चाहिए। अगर ये 9-10 से नीचे आ जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी पावर आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो आपका एचबी का जो लेवल है वो जैसे आपको ज्यादा चाहिए यानी कि मेंटेन चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार से आपके बिजनेस को जिंदा रखने के लिए आपके पास 300-350 नाम हमेशा रहने चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक काम और करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। धीरे धीरे समय बढ़ता है, 2 महीना 3 महीने में आपकी एक टीम भी बनती है, 10-20 लोग आपकी टीम में आ भी जाते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, हो सकता है आपका लेवल अच्छा हो चुका है, आप एक अच्छे लीडर बन चुके हैं। अब इसको करना क्या है कि आपने इसको अपनी टीम के द्वारा डुप्लीकेट करवाना है। देखो कितना बड़ा काम हो रहा है, यानी कि कितना बड़ा काम हो रहा है, मेरी टीम के अंदर मान लिया 5 लीडर है, मैंने 5 लीडर को कहा कि 350 नंबर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तो कितना बड़ा काम हुआ। सब आप ही के साथ तो काम कर रहे हैं। अब सुरेश के पास भी 350 नंबर है, दिनेश के पास भी 350 नंबर है, कुलदीप के पास भी 350 है, तो दोस्तों कितना बड़ा काम होगा, कितनी बड़ी लिस्ट होगी आपके लिए। तो यहां पर काम शुरू होता है कंपाउंडिंग का।
यहाँ पर काम शुरू होता है कंपाउंडिंग का, और आपका बिजनेस देखना आने वाले 2-3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो साथियों मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने लिस्ट पर काम करो, अपलाइन से गाइड ले लो यार अपने, जिस व्यक्ति ने आपकी आईडी लगाई है उससे पूछो कि सर लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, वो आपको बताएगा। और ये चीज़ें अपने टीम में आप डुप्लीकेट कीजिए तो धीरे धीरे बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो होगा। दोस्त इसको सीरियसली लीजिएगा, ये बिजनेस आपके बहुत बड़े बड़े सपने साकार कर सकता है। लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, आपके भी होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल टू ऑल ऑफ यू।